रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। मैं अपने विद्यार्थियों से आज नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की प्रासंगिकता पर बातें करना चाहती हूँ। अकाल और उसके बाद कविता हिंदी MA चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल है। साथियों, नागार्जुन अपनी रचनात्मक उपलब्धियों के कारण हिंदी की प्रगतिशील कविता के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में प्रख्यात हैं। सामाजिक चेतना, व्यक्तिक प्रतिबद्धता और अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से इनकी रचनाएं अप्रतिम हैं। जिन हस्ताक्षरों ने हिंदी कविता को छायावादी संस्कारों से मुक्त कर उसके सहज विकास की एक दिशा निश्चित की, उनमें नागार्जुन का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके रचना बोध में ऐसी कई खूबियां हैं जो प्रगतिशील काव्यधारा में उन्हें अलग पहचान प्रदान करती हैं। विचार के स्तर पर नागार्जुन स्पष्टवादी हैं। उनकी अकाल और उसके बाद कविता आज भी प्रासंगिक है और उस पर विचार करने से पूर्व कविता की पंक्तियां प्रस्तुत हैं। कविता की पंक्तियां हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। साथियों, किसी के भी मन में यह सवाल उठ सकता है कि भूमंडलीकरण के दौर में नागार्जुन की इस कविता की क्या प्रासंगिकता या कालजयता है, जिसमें अकाल और उसके बाद की स्थितियों का चित्रण है। पर सच तो यह है कि नागार्जुन की यह कविता स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास पर प्रश्न उठाती है और इसलिए यह प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि जिस रचना में हमारे जीवन सत्य या मानवीय मूल्य जितनी अधिक प्रखरता से व्यक्त होते हैं, वो रचना उतनी ही अधिक कालजयी या प्रासंगिक होती है। नागार्जुन की कविताओं में समाज का समय और यथार्थ समान रूप से समाहित है। यह बाबा नागार्जुन की ही काव्य दृष्टि है कि 8 पंक्तियों की इस कविता में त्रासदी की गहरी छाया उभरती है और महाकाव्य की सी पीड़ा भी है। साथ ही इस कविता में उमड़ती है जीने के लिए अकुल जिजीविषा। यूं तो अकाल और भूखमरी की त्रासदी की निरंतरता को लेकर अनेक कविताएं लिखी गईं, लेकिन बाबा नागार्जुन की यह कविता अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने आमने सामने 2 विरोधी भाव वाले बिंबों को रखकर एक ऐसे भाव शिल्प को वानगी दी है जो हिंदी में एक अलग टाइप है। उनकी यह कविता वास्तव में एक विशिष्ट संक्षिप्त रचना है। अनास्था आस्था की इस कविता की बनावट एक विशिष्ट कवि के द्वारा ही रची जा सकती है। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर के अनुसार इस कविता की भाषा नागार्जुन की कवित्व शक्ति और भाषा सामर्थ्य का विलक्षण दृष्टांत पेश करती है। किसी भी मानदंड से यह ऊंचे स्तर की कविता है। इसकी प्रारंभिक 4 पंक्तियां भयानक अकाल की व्यथा संवेदनशील पाठकों की चेतना में उतार देने में समर्थ है। साथियों, अकाल और उसके बाद कविता अपने समय की विसंगतियों और उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का अनुसंधान प्रस्तुत करती है। यह महज कवि नागार्जुन की काव्य संवेदना के बस की बात है कि मनुष्य ही नहीं अपितु पक्षियों की भूख भी हैरान करती है। उनके लिए मानव जाति का विलाप उतना ही चिंताजनक है जितना कि चराचर जगत की निर्जीव वस्तुओं के विलाप और उदास होने की चर्चा वे करते हैं।
इस तरह से कविता की प्रथम पंक्ति ही चूल्हा और चक्की के माध्यम से मूलभूत वस्तुओं और खाद्यान्न की अल्पता की ओर संकेत करती है। ऐसी स्थितियां स्वातंत्र्योत्तर भारत में आम हो गई। 1951 ईस्वी में नागार्जुन की एक कविता आई थी स्वदेशी शासक, जिसमें उन्होंने लिखा, जहां न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। इसी क्रम में केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है, पैसा है मेरा देश जो किसी की जेब में है और किसी की जेब में नहीं है। ध्यातव्य है नागार्जुन की विवेच्य कविता महज अकाल का वर्णन नहीं बल्कि हमारे देश के दुर्व्यवस्था की कहानी भी है। शिल्प की दृष्टि से तो यह कविता महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भाव की दृष्टि से देखें तो यह कविता विशिष्ट है। कविता अकाल के कारणों की ओर इंगित करता है। हमारे देश की राजनीतिक आर्थिक नीतियां प्रतिवर्ष अकाल को जन्म दे रही हैं। पुनः केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियां स्मरण में आ रही हैं। पंक्तियां हैं, भेड़िए सा भयंकर हो गया है यथार्थ, न कोई बचाव न कोई सुझाव। अकाल और उसके बाद का जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे हमारे देश की भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था जिम्मेवार है। विजय बहादुर सिंह लिखते हैं, देश की गरीबी भुखमरी महंगाई की फिक्र करने वाले लोग नहीं हैं, हमारा बुद्धिजीवी समाज भी देश की प्रधान चिंताओं के प्रति विमुख है। देश के भविष्य के बदले उसे अपने साहित्यिक भविष्य की चिंता है। लेकिन नागार्जुन की कविता आज भी सामाजिक संघर्ष की मूल भूमि पर मौजूद है, जनता के संघर्ष में, जनता के साथ, जनता के बीच। साथियों, विवेच्य कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ने रोते हुए चूल्हे के पास कानी कुतिया को बैठा दिखाया है। यह कुतिया परिवारी जनों से ही संबद्ध है, अतः परिवार के साथ ही वह भी कई दिनों से भूखी प्यासी है। कविता में चूल्हे और चक्की का दुख कुतिया का अपना दुख हो जाता है। कानी कुतिया की सहानुभूति से हमारे देश के पूंजीपतियों धन कुबेरों को सीखना ही नहीं अपितु लज्जित होना चाहिए, या हमारे सत्ताधारियों को अपनी अमानवीयता पर विचार करना चाहिए। यह कविता कवि नागार्जुन की सामाजिक यथार्थवादी विचारधारा को प्रकट करती है। विश्वंभर मानो नागार्जुन के संदर्भ में लिखते हैं कि व्यक्तिगत दुख पर न रुककर वे बार बार व्यापक दुख पर प्रकाश डालते हैं और यही सच्चे कवि की पहचान है। अतः धरती जनता और श्रम के गीत गाने वाले इस युग के संवेदनशील कवियों में नागार्जुन का नाम सदैव अमर रहेगा। अकाल की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कवि नागार्जुन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अकाल के प्रकोप से मनुष्य ही नहीं अपितु मनुष्येतर जीव भी परेशान है। कविता की तीसरी और चौथी पंक्तियों में चूहों की भी हालत खराब है और घर में दीपक तक नहीं जलता और छिपकलियां भी परेशान हैं, तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। आदमी का जिक्र तक नहीं है कविता में, लेकिन मनुष्येतर प्राणियों की व्याकुलता आदमी की पीड़ा को ही व्यंजित कर रही है। कविता का पहला बंद अकाल की विभीषिका को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा बंद अकाल के प्रकोप से उबरने का एक सामूहिक प्रयास करता है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि इस कविता में शुरुआती चार पंक्तियों में कई दिनों तक और अंतिम चार पंक्तियों में कई दिनों के बाद वाक्य खंड के प्रयोग द्वारा उल्लासमयता का जो वातावरण प्रस्तुत किया गया है वह अत्यंत प्रभावशाली है। कविता के दूसरे बंध में कवि ने दिखाया है कि भोजन की आस ने घर वालों को एक बार पुनः सजीव कर दिया है। आंखें चमकना जैसे मुहावरे का प्रयोग करके पीड़ित परिवार में नवीन जीवन दृष्टि की ओर इशारा किया गया है। इस कविता में एक और प्रचलित व्यवहार का वर्णन है, कौवे ने खुजलाई पाखें, यानी
कई दिनों से भूखा कौवा आज फिर घर की मुड़ेर पर भोजन की लालच में आकर अपने चोंच से अपने पंखों को खुजला रहा है। इस अंतिम पंक्ति में कवि ने मानव जीवन की जिजीविषा को मनुष्यत्तर जीवों की जिजीविषा से जोड़कर काव्य के क्षेत्र में मौलिक उद्भावना की प्रस्तुति की है। यह कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे विचार से नागार्जुन की यह कविता जिजीविषा की कविता है, इसलिए प्रासंगिक है, कालजयी है। साथ ही यह कविता अपने समय के अभावों का जीवंत दस्तावेज है, अपने युग सत्य को प्रकट करती है। अतः यह कविता आज भी विचारणीय है।